हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुनवारे क्लासेज बाय राजेश में। दोस्तों, आज हम ऐसी बीमारियां जो कि सामने तक चलती रहती है उनकी हमें अंग्रेजी आनी चाहिए कि उनको इंग्लिश में हम कहते क्या है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लू लगना। तो लू लगना एक कॉमन सी चीज़ है, तो इसको हम कहते हैं सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक यानी होता है लू लगना। मोच आने, मोच आना भी सामान्य है, मोच आने को कहते हैं स्प्रेन। स्प्रेन यानी होता है मोच आना। फिर बाद में खुजली, खुजली को हम कहते हैं ईच। दोस्तों, दाद को बोलते हैं हम रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म, इसमें वॉ रे साइलेंट रहता है, वॉर्म होता है, रिंग वॉर्म। इसके बाद में हम बात करते हैं मुंह आना। मुंह आना जो मुंह से मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं तो उसे हम मुंह आना बोलते हैं। तो मुंह आने को बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस यानी होता है मुंह आना। स्टोमेटाइटिस यानी क्या होता है, मुंह आना। इसके बाद में हम बात करते हैं गला बैठ जाना। गला बैठ जाना एक सामान्य सी है जो ज़्यादा ठंडा पानी पीने से या फिर कई प्रकार के ज़्यादा बोलने से अपना गला बैठ जाता है। गला बैठ जाने को कहते हैं एफोनिया। एफोनिया, एफोनिया होता है गला बैठ जाना। तो आप इन शब्दों को आसानी से याद करके इन बीमारियों का नाम इंग्लिश में बोल सकते हो, इनका इंग्लिश में यूज कर। दोस्तों, ये बिल्कुल एक सामान्य सी बीमारी है जो होती ही रहती है। पेट में दर्द होने को बोलते हैं गैस्ट्रोडाइनिया। गैस्ट्रोडाइनिया यानी कि पेट में दर्द होना। इसके बाद में हम बात करते हैं खांसी। खांसी को बोलते हैं कफ। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। और इसके बाद में अब बात करते हैं जुकाम के। जुकाम को बोलते हैं कोरिजा। कोरिजा, कोरिजा होती है जुकाम। और इसके बाद में हम बात करते हैं अभी सिरदर्द। सिरदर्द के बारे में आप जानते होंगे, हेडेक होता है सिरदर्द। दस्त, दस्त होता है डायरिया। डायरिया होता है दस्त। दस्त का अपोजिट कब्ज होता है, और कब्ज को कहते हैं कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्टप्शन, कॉन्स्टप्शन, कॉन्स्टप्शन यानी होता है कब्ज। इसके बाद में हम बात करते हैं उल्टी। उल्टी को बोलते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग यानी क्या होता है, उल्टी होती है। हमारे शरीर पे कई प्रकार के काले काले जो मस्से हो जाते हैं वो भी एक बीमारी के रूप में ही होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वार्ट्स। वार्ट्स। दोस्तों, छाले तो आप जानते ही होंगे। छाले, छाले को बोलते हैं थ्रस। थ्रस। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही आप नित्य जीवन में इन शब्दों का इस्तेमाल करें, इन अंग्रेजी वर्ड्स का यूज करें, फिर आपको आसानी से ही याद रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लगे रहिए अपनी स्ट्रीम। बाय फ्रेंड्स।